Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point at square comma 2at. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट पे बात करूं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखिए, 11th क्लास में आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन को रीड किया होगा. तो मैं एक बार एक शॉर्ट ऑफ रिविजन आपको दे देता हूँ. सपोज ये मेरे पास एक लाइन है और ये लाइन पास करती है एक्स वन कॉमा वाई वन से. लेट इट इज पासिंग टू द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन. और सपोज इस लाइन का स्लोप आपके पास एम यूनिट है. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन आपके पास होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन के. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपके पास एक पैराबोला है, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है और अब वहीं पे आपको टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. तो सपोज ये मेरे पास एक पैराबोला है, हम लोग एक जनरल रफ स्केच बना लेते हैं, विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स. ये आपके पास पैराबोला है और इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है विच इज ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी. नाउ व्हाट ही वाज आस्किंग, ही वाज सेइंग कि आप गिवन पॉइंट पे पहले एक टेंजेंट बनाइए, फिर सेम पॉइंट पे आप एक नॉर्मल बनाइए और आपको दोनों की इक्वेशन निकालनी है. अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी के. और जो क्वेश्चन का अननोन डाटा है वो है स्लोप. मुझे दोनों में से किसी का स्लोप पता नहीं है. तो हमारा अगला टारगेट ये होगा कि मुझे टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल दोनों का स्लोप निकालना है. तो अभी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कैलकुलस में अगर मैं मूव कर जाऊं तो हमने ये स्टडी किया है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कर्व है, लेट द कर्व इज और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे, लेट द पॉइंट इज और अल्फा कॉमा बीटा, अगर आपको गिविन पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो एम, लेट मैं इसको एम से रिप्रेजेंट करूं, तो एम इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. मतलब पहले आप उसे डिफ्रेंशिएट करिए और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट उसमें सबमिट कर देंगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में जो कर्व आपको दे रखा है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और मुझे ए टी स्क्वायर और टू ए टी पे टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल का स्लोप चाहिए. तो सबसे पहले अपन टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं और इसके लिए मुझे गिवन एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फोर ए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज योर टू ए अपॉन वाई. नाउ अब वाई की बात करें, वाई दैट इज अ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट विच इज योर टू ए टी. तो यहां पे अगर मैं ये डाटा रिप्लेस करूं तो टू ए अपॉन टू ए टी, और इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है वन अपॉन टी के. मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करें तो वो हमने निकाली है जो कि वन अपॉन टी के इक्वल आ रहा है. अब अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इनकेस अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा माइनस वन के बराबर होती है. अब आपने टेंजेंट का स्लोप तो निकाल चुके हैं विच इज एम वन, और ये आपके पास वन अपॉन टी के इक्वल है, और मुझे अभी पता करना है एम टू. तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वन अपॉन टी इन टू एम टू दिस इज योर माइनस वन, या फिर एम टू को लिख सकते हैं माइनस टी के. तो ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बात करें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो अगेन आई एम यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म विच इज वाई माइनस वाई वन इज योर एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन. आप देख सकते हैं कि पॉइंट तो ऑलरेडी नोन था विच इज ए टी स्क्वायर टू ए टी. तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट हमारे पास है ए टी स्क्वायर टू ए टी और टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप यहाँ पे मैंशनड है. तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, दिस इज वाई माइनस टू ए टी इज योर वन अपॉन टी इन टू एक्स माइनस के ए टी स्क्वायर के. आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये बनेगा टी वाई, दिस इज टी वाई माइनस टू ए टी स्क्वायर दिस इज योर एक्स माइनस ए टी स्क्वायर के, या फिर ये बनेगा एक्स माइनस टी वाई दिस इज एक्स माइनस टी वाई दिस इज योर माइनस टू ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के, या फिर फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज एक्स माइनस टी वाई एक्स माइनस टू वाई एंड दिस इज माइनस विच इज प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द गिविन कर्व.
नाउ वी विल वर्क फॉर द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो अगर अपन इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अगेन मैं सेम फॉर्मेट यूज करूंगा, विच इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, विच इज वाई माइनस वाई वन इज योर एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन के। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे वाई माइनस, और पॉइंट आपके पास है 280, तो इसको 280 से रिप्लेस करिए। एम आपके पास है माइनस टी, तो इसको माइनस टी से मैंने रिप्लेस किया है, विच इज एक्स माइनस के एटी स्क्वायर के। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा टी एक्स प्लस वाई इज योर 280 प्लस एटी क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट।